छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मामला जो है बिल्कुल ही सही हो चुका है। आरक्षण का मामला जो है शांत हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मुद्दा बिल्कुल ही सही हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को सर्वसम्मति से जो है विधानसभा में पारित हो चुका है। तो अब आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आरक्षण मामले में। तो सरकार ने जो है 50% रोस्टर का सभी विभागों को दिया दिशा निर्देश। अब आएगा CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और शिक्षक के 12,489 पदों का नोटिफिकेशन। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, बहुत बड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ जानकारी अपडेट्स निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है जब से आरक्षण का मुद्दा चारों तरफ से गरमाया हुआ था, आरक्षण का मुद्दा जो है सभी तरफ चल रहा था, जिसके वजह से जितने भी भर्ती परीक्षा उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया गया था और जिनकी भर्ती हो गया था उनके रिजल्ट जो है जारी नहीं हो रहे थे। और इसके साथ ही जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके लिए भी भर्ती वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट जो है जानकारी निकल कर आ रहा है। अब जो है आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप लोगों को कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जो है CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है आने वाला है। आप लोगों ने वैसे भी मॉडल आंसर से जो है मिलान करके आप लोगों ने देख चुका है कि कितने नंबर आपका CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा में आया है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौर में जो है कॉम्पिटिशन इस हद तक बढ़ गया है कि आपको अभी के डेट में जो है चपरासी के वैकेंसीज के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि छत्तीसगढ़ में CGPSC के प्यून के जो है 91 पदों पर भर्ती होना है, तो 91 पदों के लिए जो है 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, जिस सोच सकते हैं 2,50,000 स्टूडेंट हैं CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया। अब सिर्फ सिलेक्शन तो 91 लोगों का होगा। आज तक की हिस्ट्री में कभी भी जो बड़े बड़े कोर्स वाले हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, फार्मेसी वाले हो, बीटेक वाले हो, पॉलिटेक्निक, बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं, नॉन प्रोफेशनल कोर्स वाले हो, सभी स्टूडेंट ने जो है PSC के प्यून भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है। और क्वालिफिकेशन क्या था? क्वालिफिकेशन था सिर्फ आपका 8वीं पास। तो 8वीं पास जो है क्वालिफिकेशन था, फिर भी इस कदर जो है बेरोजगारी है, इस कदर है कि CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा के लिए भी 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिया। तो आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना बेरोजगारी है। इसलिए मैं हर एक वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूं कि ज़िंदगी में आपको मौका अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो इस एक ही अपॉर्चुनिटीज़ को आप जो है अपने दोस्तों यारों में घूम कर जो है ज़िंदगी को यूँ ही बर्बाद मत कीजिए। इस टाइम का अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर आप अगर करेंट अफेयर्स के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशंस, इकोनॉमिक्स, सभी के बारे में, पॉलिटिकल, सभी के बारे में यदि आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में, सिलेबस के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आ सकेगा, अच्छे अच्छे डेली आप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, तभी आपका ज़िंदगी में आगे कुछ हो सकता है। तभी आपको जो है सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जॉब जो है मिलेगा, अन्यथा आपको जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप लोगों ने देखा ही है कि 2.5 लाख स्टूडेंट जो है चपरासी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो बेरोजगारी की दर इस तरह से बढ़ गए हैं कि बड़े बड़े कोर्स वाले भी इसमें जो है आराम से आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए तो सिर्फ जॉब चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी जॉब हो चलेगा, ऐसी उनकी मंशा है। और बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी के डेट में तो बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको बताना चाहता हूँ, अब 50% रोस्टर का सभी विभागों को दिया है दिशा निर्देश। अब जो है आप लोगों का कुछ ही दिनों में, लगभग आपको बताना चाहता हूँ कि 1 वीक से 2 वीक, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों का जारी हो जाएगा। मॉडल आंसर से आप लोगों ने मिलान करके देखा होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का कटअप जो है बिल्कुल ही हाई जाने वाला है, कटअप जो है कम जाने वाला नहीं है, क्योंकि पोस्ट 91 है और 2.5 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिए हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जनरल कैटिगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 125 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, वहीं OBC कैटिगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 120 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, यदि आप SC कैटिगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 115 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, और यदि आप ST कैटिगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 110 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। तो 110 नंबर यदि आप ST वाले हैं तो 105 भी आएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, लेकिन कटअप जो है निश्चित तौर पर आपका हाई जाने वाला है, कटअप के कम जाने का कोई भी चांसेस नहीं है। और आने वाले समय में आपका जो है छत्तीसगढ़ में CGPSC में ही
आपका 189 पदों पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी प्रकाशित होने वाला है, हो चुका है। और 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप जो है CGPSC के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। 189 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज निकल कर आया है, जिसमें आप लोग आराम से इजीली आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12489 पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी आपके आने वाले समय में बस इसी दिसंबर के लास्ट वीक में शायद आप लोगों के लिए शिक्षक के जो 12489 पोस्ट है इसके लिए आपका जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी कम समय है शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भी, तो बेशक जो है बहुत ही अच्छी अपडेट्स और भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं। तो बस आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करना है, शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास भी काफ़ी कम समय है। और सिलेबस की बात करें जहाँ तक 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग देखने को जो है बच के रहना, सही क्वेश्चन सॉल्व करने की